दोस्तों आप लोगों ने मुझसे ये पूछा बार बार वीडियो में कि राहुल भाई ये बताओ कि यूएई में जो फिल्म एक दिन पहले यानी कि 21 तारीख को रिलीज हुई थी उसका कितना रहा कलेक्शन, कितना ज्यादा अर्न किया फिल्म ने वहां पर। तो चलिए मैं बात करता हूँ उस बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएई में ये फिल्म 21 को रिलीज हुई थी और सभी जगह अप्रिशिएशन मिला है फिल्म को। काफी लोगों के मैसेज और ट्वीट आए हैं मुझे और उन्होंने सारी चीजें बताई थी डिटेल में, मैंने आपको रिव्यू भी बताया था उनकी तरफ से। अब फिल्म का एक मेन पोर्शन ये है कि फिल्म को कुवैत में बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके फर्स्ट डे कलेक्शन पे असर हुआ है यूएई में। बाकी की जगह की अगर मैं बात बोलूं तो फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। टोटल अगर गिना जाए तो फर्स्ट डे कलेक्शन मोर देन 10 करोड़ मिले हैं दोस्तों। अभी प्रॉपर फिगर नहीं आया है, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स में आ रहा है वो मोर देन 10 करोड़ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुवैत में फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसकी वजह से फिल्म ने जो है 3-4 करोड़ का नुकसान कर लिया है। कोई बात नहीं, वो फिल्म आगे कमा लेगी आई एम श्योर, क्योंकि भाई के चाहने वाले बहुत हैं यूएई में। तो अगर टोटल देखा जाए तो मतलब अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो सुल्तान के कंपेयर में अभी फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया है फर्स्ट डे कलेक्शन। ओके फर्स्ट डे, तो अगर कुवैत में भी फिल्म रिलीज होती तो अब तक फिल्म आराम से 15 करोड़ के ऊपर चली गई होती फर्स्ट डे कलेक्शन। तो ये तो थी दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन की बात जो कि यूएई में हुआ है। बाकी की मोर अपडेट्स के लिए जैसे जैसे मुझे एग्जैक्ट फिगर्स पता चलते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, बताता रहूंगा, क्योंकि ये जो यारा है ये आपकी फैमिली का हिस्सा है और आपको हमेशा अपडेट रखता है अप टू डेट। राहुल भोज के साथ देखिए फिल्मी यारा।